मीरा का कत्ल किया गया था कभी। ये सब झूठ बोल रही हो। कबीर, हम इसीलिए तुम्हें यहाँ लेकर आए क्योंकि सारा की लाश इसी नदी के किनारे मिली थी। कबीर, 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 कबीर। उसकी कलाई में ये घड़ी बंधी हुई थी। उस बेचारी लड़की को गोली मारी गई थी। भैया प्लीज प्लीज थोड़ा जल्दी चलिए। अरे ये क्या कर रहे हो, दूर हटो। आप दूर हटिए। बाबा देखो, मैं इसलिए बोल रहा था, आग से बच्चों को चटक लग जाएगी। आपको इनकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, इनका ध्यान अब रख रहे हैं ना। बाबा वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सब इतना बिखरा हुआ क्यों है? यहाँ कोई जलजला आया था क्या? नहीं, हम तो जरा पी के लिए सूप बना रहे हैं। एक सूप बनाने में पूरे किचन का तहस नहस कर दिया। साफ कौन करेंगे तुम्हारे अब्बा? अक्सर बीबी को बताता हूँ। जैद, फिरदौस, अलीशा, देखो हम क्या लाए। कैसा बना है? थोड़ा फीका है। बच्चों, क्या ये सब? चाचू, हम ज़ारा अप्पी के लिए सूप बना रहे थे, पर इसका टेस्ट अच्छा नहीं है। ये जो कचरा करके रखा है ना तुम लोग ने, ये नहीं करना है। सूप बनाओ, कुछ भी बनाओ, बहुत खूब आइडिया, अच्छा है, लेकिन पहले हमें सूप चाहिए। ये सूप फीका है, थोड़ा फीका है, तो हमें क्या लगता है ना, इसमें थोड़ा सा मीठा और थोड़ा सा तीखा डालोगे ना, इसका जायका बड़ा मजेदार होगा। लेकिन सबसे पहली बात, ये जो पसारा, ये साफ करना है। सारा जल्दी आओ, अगर कोई देख लेगा ना तो गजब हो जाएगा। ये देखिए पूरा किचन। तुम तो कह रहे थे कि बावर्ची खाना सब तहस नहस हो गया, यहां तो सब कुछ ठीक है, कहीं कुछ बिखरा नहीं है, तो बच्चों की शिकायत क्यों कर रहे थे तुम? लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। रम, शिकायत की तुमने? क्या कर रहे हो बच्चों तुम यहाँ पर? हमने ज़ाराप्पी के लिए सूप बनाया है, वो इसे पीकर ठीक हो जाएगी। चलो आराम से, भागो मत। जल्दी उठिए, देखिए हम आपके लिए क्या लाए। लगता है ज़ारा पे गहरी नींद में सो रही है, हम उठाते हैं। अज़रा, तुम ज़ारा की जगह में क्यों सोई हो? अज़रा यहाँ सो रही थी, हमें लगा ज़ारा सो रही होगी। कभी वो ज़ारा कुछ ना कुछ खेल फिर से खेल रही है, हम तुमसे कह रहे हैं, तो अपनी जगह अज़रा को सुलाकर क्यों चलेगी, पूछो इससे। अज़रा, ज़ारा कहाँ है? वो कबीर, हम बताने वाले थे कि ज़ारा।
तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है, प्लीज चलो हमारे साथ। कहाँ थी तुम? कभी चलो हमारे अरे क्या है ये जारा? कोई भी बात थी सबके सामने नहीं कर सकती थी तुम? क्योंकि कबीर जो हम बात बताना चाहते हैं उसे जानने का हक सिर्फ तुम्हें है। मतलब जारा की घड़ी है, ये घड़ी उसने उस दिन पहना था जब। कहां से आई तुम्हारे पास? यही नावरगढ़ से कबीर। क्या किस सरपंच ने हमें ये दी जिनसे तुम मिलकर आए थे? हम तुम्हें सब कुछ बताते हैं। आपने जो कंगन अपने हाथ में पहना हुआ है उसकी जोड़ी का एक कंगन हमारे पास है। प्लीज हमें सच सच बताइए कि ये कंगन आपको कहाँ से मिला? ये हमें हमारे भाई ने तोहफे में दिया है। हमने वो कंगन एक लाश से निकाला था। उस बेचारी लड़की को गोली मारी गई थी और उसे पानी में बहा दिया गया था। हमें ये बताया कि सारा का कत्ल किया गया था कबीर। कबीर ये सारा की पोस्टमार्टम गलत फहमी हुई है। सुनो, उसके कोई दुश्मन थे नहीं, सब उसे चाहते थे। हम कबीर हम समझ रहे लेकिन नहीं तुम्हें से सब नहीं नहीं देखेंगे हम कुछ भी। समझ रही हो? ये तुम उसके क्या रिपोर्ट से आई है? नहीं, उसको किसी ने कत्ल नहीं किया। नहीं 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 नहीं, कैसी बातें कर रही है सारा? कैसे हो ही नहीं सकता कबीर। नहीं सुना हमको कुछ भी। नहीं कबीर, हम इसीलिए तुम्हें यहाँ लेकर आए क्योंकि सारा की लाश इसी नदी के किनारे मिली थी। कह रहे हैं कबीर, हम झूठ नहीं कह रहे, जारा की लाश इसी नदी में मिली थी। यही सच है कबीर। कबीर प्लीज खुद को संभालो, ये सब हमसे इस कदर मोहब्बत करते हो जितने कतरे हैं समुंदर में और
जितने तारे हैं आसमान में और जितनी पत्तियां हैं इस पेड़, इसका ये मतलब है कि कबीर की मोहब्बत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। खाना तैयार रखना, हम आते हैं। जी बेगम, जी बेगम, जी बेगम, जी बेगम। कुछ काला नहीं बचो, यहाँ तो पूरी दाल काली है। आपने देखा कैसे कैसे अजरा ने हमें कुछ नहीं बताया, रोते रोते घर से चली गई। बता रहे हम आपको कुछ ना कुछ बड़ा तमाशा हुआ है। जो भी तमाशा हुआ है या होने वाला है हमें पता चल जाएगा। रुखसार, तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? देखो इतना सोचो कि तो बीमार पड़ जाओगी। बीमार हो हमारे दुश्मन बचो, हमें तो बस इतना जाना है कि आखिर उजारा के पास ऐसी क्या खबर है जो सबके सामने नहीं बता सकती। कबीर, ऐसा मत करो, बाहर निकलो। कबीर, हालात का सामना करो। माफ करना कबीर, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। कबीर, तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है, प्लीज चलो हमारे साथ। चलो। अरे, हम खुद अपने शौहर का हाथ पकड़ने से पहले डरते हैं और एक घर की आई हुई लड़की सबके सामने कबीर का हाथ पकड़कर उसे ले गई। हमें इस लड़की को इसकी औकात फिर से दिखानी होगी। लेकिन ऐसे भी क्या खबर होगी? पहले जारा के हाथ में उस मरहूम जारा का कंगन, फिर अजरा का यहाँ आकर जारा बनकर सो जाना। हमारा मन कहता है कोई तो बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तूफान आए या जमीन हिले, हमें कबीर के सामने अच्छाई की मिसाल बनकर रहना पड़ेगा, वरना वरना वो हमसे दूरी बना लेगा। नहीं 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 नहीं,
कबीर सिर्फ हमारा है और हमारा ही रहेगा। कबीर इधर देखो, कबीर तुम्हें टूटना नहीं है, अगर तुम टूट गए ना तो सब बिखर जाएंगे। कबीर तुम्हें तुम्हें सारा के कातिल को ढूंढकर उसे सजा दिलवानी है, सारा को इंसाफ दिलवाना है ना कबीर। तुम ऐसे टूट नहीं सकते कबीर। सारा हमें उस दिन कुछ बताना चाहती थी। क्या कबीर? तुम्हें एक सच्चाई बतानी है कबीर, बस एक बार हमारी बात सुनो। आज नहीं, आज किसी की बात नहीं करनी, सिर्फ हमें अपनी बात कहने दो। हम पूछ देना तो हमने उसकी बात डाल दी, हमने कहा कि बाद में बात करेंगे। अगर उसने हमें बता दिया होता तो शायद वो बच जाती ना। ये तुम्हारी गलती नहीं है कबीर, ये किसी और का गुनाह है जो तुम अपने सर पर ले रहे हो। नहीं, नहीं। सारा तुम्हारी जिंदगी थी, तुम जारा की जिंदगी थे। दोनों तुम्हारी जारा से मिलने चलते हैं। الحمدللہ رب العالمین یا اللہ زارا کو جنت عطا فرمانا اللہ تمہیں تمہاری مغفرت عطا فرمائے تم بہت نیک ہو تو خدا تمہیں تمہارا سکون عطا فرمائے یہ کبیر کہاں چلا گیا جس انسان نے تمہارا قتل کیا ہے نا زارا اس کو हम ढूंढ निकालेंगे। और सजा जरूर देंगे उसे हम। उस इंसान को ऐसी सजा देंगे जिससे देखने वाला भी कांपने लगेगा। Thank you.
खुदा की कसम सारा, तुम्हें तुम्हारा इंसाफ मिलेगा। वादा है तुमसे, वादा है तुमसे, वादा है तुमसे।